राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो चुकी है, पर कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। उनमें से एक हैं कांग्रेस की विधायिका रामगढ़ से साफिया जुबेर खान। साफिया जी, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की घोषणा की गई है, उससे आप क्यों नाखुश हैं? देखिए, मैं नाखुश दो वजह से हूँ। एक तो मुझे लगता है महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस कैबिनेट में नहीं मिला है, क्योंकि हम बात करते हैं 33% रिजर्वेशन की, और हमने विधानसभा में खुद इस बिल को पास किया है, तो मुझे लगता है वो धरातल पे उतरना चाहिए। पार्टी को 33% नहीं तो 30 तो देना चाहिए, वो 10% पे आ गया, तो मुझे लगता है ये पार्टी की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। जब आपके पास पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमारे पास ओलंपिक मेडलिस्ट है, हमारे पास डॉक्टरेट है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं हैं, सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, फिर क्यों नहीं इनको मौका दिया जाता है? आप पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो महिलाएं हैं तो इशारा कहीं अपनी तरफ है आपका? नहीं, मेरी तरफ नहीं है, मैं तो पूरी महिलाओं की, मुझे नहीं मिला डजेंट मैटर, बट महिलाओं को मिलना चाहिए, मेरा फर्स्ट हैंड ये है। सेकेंड ये है कि अल्पसंख्यक जो 100% कमिटेड है कांग्रेस की तरफ, इस बार बहुत जोश से इनने पोलिंग करी थी, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार बन के आई, बहुत से विधायक इसी वजह से दिए जीते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज ने बहुत अच्छी हाई पोलिंग करी है और जिताया। खासतौर पे अलवर में भी 5-6 सीट तो माइनॉरिटीज की वजह से हम जीतते हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि इतना महत्व नहीं दिया गया जितना का मिलना चाहिए था। तो मेरा स्टैंड तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज प्लस महिलाओं के लिए है, उनकी तरह पार्टी को थोड़ा और फोकस करना चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद फिर चुनाव आने वाले हैं, तो हमें जनता के बीच में जाना है, हम उनको क्या जवाब देंगे? साफिया जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा कि वहां पर इतने प्रतिशत जो है महिलाओं को खड़ा किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, आपको लगता है कि राजस्थान में जो हो रहा है वो प्रियंका की ही बात को निगेट कर रही है अशोक गहलोत सरकार? देखिए, इसे मुझे जवाब देने की आई थिंक जरूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो सबके सामने है। प्रियंका जी, ये सच है कि उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है यूपी का और रात दिन मेहनत कर रही हैं, और वो इस बात को जानती हैं कि जब तक महिलाएं हमारी आगे नहीं आएंगी, तब तक हम नहीं समझते कि ये देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी सब जगह बहुत जरूरी होती है, सभी फील्ड्स में जरूरी होती है। मैम, सवाल ये है कि डबल स्पीक है कांग्रेस की राजस्थान और यूपी में? बिल्कुल, मैंने कहा ना, कथनी और करनी में फर्क है जो हमें नजर आ रहा है। हालांकि बहुत से लोग इससे नाराज होंगे मेरी बात से, लेकिन जो सच्चाई है सब नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं कुछ बोलने में विश्वास करती हूँ कि मुझे जनता ने भेजा है, महिलाओं ने बड़े जोश के साथ हम महिलाओं को जिताया, तो कम से कम महिलाओं की बात तो सबके सामने लेकर आए। आपने अपनी नाराजगी अशोक गहलोत, अजय माकन या पार्टी हाईकमान के सामने रखी है? मैं जब भी मिलती हूँ मैं कहती हूँ, भाई महिलाओं को ध्यान रखा करो, ये बात हमेशा कहती हूँ, और जब मौका लगता है विधानसभा में मैंने ये बात उठाई है, तो मुझे लगता है जब प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी बिल लेकर आ रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इट शुड बी अंडरस्टूड कि हमें महिलाओं को आगे उनका हक बराबर से देना है। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कि सभी वर्गों को खुश करने के कोशिश में अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है, जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वुमेन के लिए है, उसको साख पर रख रहे हैं? देखिए, सभी को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, सभी वर्गों को या सभी एमएलए को सेटिस्फाई नहीं मतलब जो किया जा गुट सकता, है तो अलग बस अलग? नहीं, ऐसे कोई गुट वुट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सोशल इंजीनियरिंग और हमें प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद ही चुनाव आने वाले हैं, और हम चाहते हैं इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए राजस्थान में, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और मुझे लगता है जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने इतने घटिया काम करे और जनता से माफी मांगी है, मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए तो इससे घटिया काम कुछ होगा नहीं, अब उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बीजेपी में, तो हम लोगों को और डबल मजबूती के साथ, डबल जोश के साथ जनता के बीच में काम करना पड़ेगा, और उन तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई सबका ध्यान रखती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सब जगह मिलना चाहिए। साफिया जी, आप नाराज हैं? नहीं, मैं इतनी नाराज नहीं हूँ, मैं तो एक स्टैंड पे अपनी बात रख रही हूँ, पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो चाहे मीडिया के थ्रू, सबको पता लग जाता है। वर्गों को खुश करने की कोशिश में कहीं ना कहीं इन्होंने जो कांग्रेस का जो असली मोटो है उसको ताक पर रख दिया है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।